बाबूजी शरबत बनाए हैं, जरा पी के बताइए ना कैसा बना है। वो देव भैया के ससुराल वालों को पिलाना है। आई बनाई हो? ला 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 ला। अच्छा है। लीजिए, हम आ गए, देखिए ठीक तैयार हुए हैं ना? हाँ, वो तो दिख रहा तैयार हो गई। का फायदा इतना सजने सवरने का, आ जाएंगी वो आपकी समधनी कुछ हल्का फुल्का पहन के। वैसे भी देख आ रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है तिलक में। याद है अपनी गुलकंद भाजो भाई थी, तो कितना भारी भारी सामान अपने साथ लाई थी। अरे जेवर, गहना, बनारसी साड़ी और इतना पैसा, गाड़ी भी लाई थी। और ये लोग, और भी तो बहुत कुछ लाई थी, वो तुमको याद नहीं है का? ओ हल्ला, तनाव, झगड़ा, टेंशन और बेइज्जती, बदनामी। बात कर दिया। सुनो, गुलकंद का नाम लेना मत। मैंने कहा पता कि उसका नाम ले और चुड़ैल हाजिर। हाँ जी, जोगेश्वर बाबू, जोगेश्वर बाबू आइए आइए, बैठिए भाई बैठिए, आप का इंतजार हो रहा था। गुलकंद को तिलक में बुलवाए का? कैसा बातें कर रहे हैं आप, हम पगला गए हैं जो गुलकंद को बुलाएंगे? अरे वो तो बाहर आई हुई है। ये सब तुम्हारा वजह से हुआ, ना तुम उसका नाम लेती चुड़ैल का नाम। हे भगवान, वो लोग आने वाले, अरे कुछ कीजिए ना जल्दी से। खत्म है ना, ना, ना। ठीक है, अब देखते हैं क्या के लिए आई है ना। आइए देख लिए आप लोग, यही गाड़ी हमको बेचना है। कितना मिलेगा इसका?